हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप बेसन में ऐसी क्या चीज़ मिलाकर अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं कि आपका फेस सिर्फ एक बार इसको लगाने से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा और इसके साथ फेस पर जितनी भी डलनेस और डार्कनेस है वो भी दूर होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिंजर तैयार करना है। उसके लिए आपको इसमें आधा चम्मच नींबू का रस लेना है और उसके बाद आपको इसमें एक चम्मच गुलाब जल डालना है। नींबू का रस फेस को डीपली क्लीन करके फेस पर नेचुरल तरीके से ब्लीच करता है और गुलाब जल हमारे फेस पर फ्रेंड्स जितने भी काले धब्बे हो जाते हैं या फिर पिंपल और एक्ने के मार्क्स हो जाते हैं उसको दूर करता है। अब आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब आप कॉटन की हेल्प से इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। आप थोड़ा थोड़ा क्लिंजर लेकर अपने पूरे फेस को क्लीन कर लेंगे क्योंकि ये आपके फेस पर जितनी भी डर्ट, मेकअप या फिर गंदगी किसी भी तरह की हो जाती है उसको डीपली क्लीन करता है और फेस को एकदम से क्लीन कर देता है। अब आप इसको अच्छे से अपने फेस पर लगाकर क्लीन कर लेंगे। अब क्लिंजर के बाद आप थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे, हल्का गुनगुना गर्म पानी, और इसमें कपड़े को डिप करके अपने फेस पर स्टीम लेंगे। अब ऐसे आप इसको दबाते हुए अपने फेस पर लगाएंगे क्योंकि स्टीम लेने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और स्टीम लेने से हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं और हम इसके बाद जो भी चीज़ अप्लाई करते हैं वो डीपली हमारी क्लिंजिंग करती है और फेस को ब्राइट बनाती है। अब आपको अपना स्क्रब तैयार करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर आधा चम्मच कॉफ़ी लेनी है। कॉफ़ी में कैफीन होता है जो आपके फेस पर जितना कालापन आ जाता है या फिर काले धब्बे हो जाते हैं उसको दूर करता है। उसके बाद आपको इसमें आधा चम्मच बेसन ऐड करना है। बेसन हमारी स्किन को डीपली एक्सफोलिएट करता है और स्किन पर मॉइस्चराइज़र भी बनाए रखता है। उसके बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके हनी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हनी फेस पर मॉइस्चराइज़र बनाए रखता है और फेस पर रेडनेस हो जाती है उसको भी दूर करता है। अब फ्रेंड्स, आप ये स्क्रब अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और जब ये आप अप्लाई कर लेंगे तो जैसे आपको स्टेप्स दिखाए गए हैं आपको यही स्टेप्स 5 से 6 बार रिपीट करने हैं क्योंकि फ्रेंड्स स्क्रब करने से हमारी डेड स्किन रिमूव होती है और जितनी भी डलनेस या फिर डार्कनेस आ जाती है वो दूर होती है और स्क्रबिंग करने से हमारा फेस इंस्टेंट ब्राइट और ग्लोइंग लगता है। और आप देखिएगा कि जब आप इसको अच्छे से स्क्रब करेंगे तो आपका फेस स्क्रब के बाद ही बहुत ही ज़्यादा चमक जाएगा। आप चाहें तो हल्का सा पानी लगाकर भी स्क्रबिंग कर सकते हैं और जब आप इसको 5 से 6 बार रिपीट कर लेंगे तो आप अपने फेस को नॉर्मल पानी की हेल्प से क्लीन कर लेंगे। फेस पैक बनाने के लिए आप 1 चम्मच बेसन लेकर इसका पेस्ट बनाएंगे एलोवेरा जेल के साथ। बेसन आपकी स्किन की रंगत को निखारता है और एलोवेरा जेल आपके फेस को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और ग्लोइंग बनाता है। और फ्रेंड्स, अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सबसे लास्ट में आपको ये फेस पैक अप्लाई करना है और आप देखिएगा कि अगर आप ये चारों स्टेप्स अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका फेस एक ही बार में चमक उठेगा और फेस पर जितनी भी डलनेस और डार्कनेस आ गई है फ्रेंड्स वो भी दूर होगी। और ये आप वीक में आराम से एक बार भी कर सकते हैं क्योंकि ये सारी नेचुरल चीज़ों से बनाए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।